बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव विद द स्टाइल। आज मैं स्पेशल रमज़ान डिश आपके लिए लेकर आई हूँ, आलू पालक के स्पेशल पकोड़े। प्लीज़ जो जो इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी उसको सेम टू सेम फॉलो करिएगा, आपके पकोड़े हंसता और जायका से भरपूर बनेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 पोटैटो छिलका उतार लें तीनों का, 2 गट्ठी पालक, 1 कप या 1.5 कप ग्राम फ्लोर बेसन, 2 से 3 अदद ऑनियन, 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली चॉप, 1 टेबलस्पून कुशक धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैंने आलू चॉप्ड कर लिए, चॉप्ड करने के बाद मैंने इनको पानी में डीप कर दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। ऑयल फ्राई करने के लिए 1 टेबलस्पून मेथी, 1 एग, इससे पकोड़े हमारे काफ़ी हंसता बनेंगे, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्ची या हस्बे ज़रूरत, 1 पालक, 2 टेबलस्पून चॉप्ड ऑनियन सब्ज़ मिर्ची, 1 egg, 1 egg, अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक, स्पेशल पकोड़े जो हैं वो जिसमें पालक डलती है उसके लिए अदरक बहुत मस्त है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से। बेसन ऐड करेंगे, ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया।
तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके पकौड़े डालूंगी मटेरियल। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने डालने, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और ना ही एकदम से मैं इनको हिलाऊंगी, तकरीबन 2 मिनट एक तरफ से पकने के बाद फिर मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। अब पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको डिश आउट करूंगी। माशाल्लाह से लजीज़ा हस्ता हब पालक पकौड़ा तैयार है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूंगी, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।